सो हेलो गाइस और वेलकम वन सेकेंड टेक्निकल मेकर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैटरी को कैसे अपने घर पर बिना किसी मॉड्यूल या किसी भी पावर सप्लाई बोर्ड के अपनी बैटरीज को कैसे चार्ज कर सकते हो, चाहे वो मोबाइल बैटरी हो, चाहे वो किसी भी लैपटॉप या पावर बैंक की बैटरी हो, ठीक है, घर पर कैसे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो उन बैटरीज के लिए है जो 3.7 वोल्टेज से लेके 5.3 वोल्टेज तक की होती है। ठीक है, ये जो बैटरी है ये 3.7 वोल्टेज की है और ये भी 3.7 वोल्टेज की है। तो इसे डायरेक्ट कैसे चार्ज करें मैं आपको बताता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैटरी को कैसे चार्ज करें। कुछ लोगों का मोबाइल ख़राब हो जाता है तो उन्हें पता नहीं होता कि सेपरेटली कैसे एक बैटरी को चार्ज करें, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली एक डाटा केबल चाहिए, उसका ये हिस्सा आपको काट लेना है। अगर ख़राब है आपके पास तो ज़रूर काटें, वरना कहीं से जुगाड़ करें खराब डाटा केबल का, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये डाटा केबल मैंने अपने अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये दो वायर हैं ब्लैक एंड वाइट और इसको मैं अपने स्विच बोर्ड में लगाने वाला हूँ। तो मैं ये स्विच बोर्ड में लगा दिया। अब हमारे पास ये दो वायर हैं, चार वायर होते हैं, एक ब्लू होता है एक ग्रीन होता है, वो दोनों मैंने कट कर दिए हैं, सिर्फ रेड एंड ब्लैक हमें चाहिए, इसलिए रेड एंड ब्लैक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये ऑन है या नहीं। तो हम इसके लिए एक बल्ब को जलाएंगे। ठीक है, ऑन है। तो सो गाइस, आइए कोई सी भी एक बैटरी को चार्ज करते हैं अपनी। हम उसके लिए सबसे पहले मोबाइल की बैटरी लेंगे जिस पर मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो मैंने ये बैटरी ली है जो कि लावा की है, इसे मैं डायरेक्ट इस तरीके से सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा, पहले प्लस वाले में रेड और माइनस में ब्लैक, डन। और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे अकेला चार्ज होने के लिए और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ओके, तो 10 मिनट तक के लिए छोड़ देते। सो गाइस, 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकालते हैं और देखते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज हुई या नहीं। ठीक है, मैंने निकाल दिया है। अब हमारे पास ये एक बल्ब है, ठीक है, और हियर वी गो, और ये ऑन हो चुका है। इस बैटरी में कम से कम 2-3 महीने से चार्ज नहीं था, सही बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी चार्ज नहीं था, और अब 10 मिनट में ये चार्ज हो चुकी है। कम से कम ये अब आधा एक घंटा चलेगी। तो आपको कम से कम कि आपने देखा बैटरी चार्ज हो चुकी है और हमारा बल्ब भी ऑन हो चुका है। ठीक है, ओके, एकदम वर्क कर रहा है हमारा आइडिया। तो इसी तरीके से आप किसी भी मोबाइल की बैटरी या किसी भी सेल को चार्ज कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके की बैटरी को चार्ज करना है तो सिंपली ये वाला जो साइड होता है ये प्लस का होता है और ये प्लेन साइड माइनस का होता है। ठीक है, ये जो साइड है ये प्लस का, मैं एक सिंगल बैटरी में दिखाता हूँ, ये प्लेन साइड है माइनस का, ये प्लस का, और सिंपली ऐसे ही कनेक्ट कर देना है जैसे मैंने इस बैटरी में कनेक्ट किया था, माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में, इस तरीके से प्लस माइनस। सो गाइस, जैसा कि आपने रिजल्ट देख लिए हैं, रिजल्ट आपके सामने थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज ही पूछा था कि कैसे चार्ज करें एक बैटरी को बिना किसी मॉड्यूल के, बिना किसी बोर्ड के डायरेक्ट। तो इसी तरीके से आप किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, चाहे वो सेल हो इस तरीके का या इस तरीके की मोबाइल बैटरीज। ओके, अगर आपके पास इस तरीके की बैटरी है जिसमें इस तरीके की सॉकेट है तो इसके पीछे भी प्लस माइनस लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें टेप की हेल्प से वायर को कनेक्ट कर सकते हो और चार्ज कर सकते हो, कम से कम 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो बैटरी फूलने लगेगी और फट भी सकती है, फटेगी तो बहुत गंदी तरीके से फटेगी, घर में आग लग सकती है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।